हेलो, आप सभी को नोट्स की सैंपल देखनी थी कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये बनाया गया है। तो मैं पहली यूनिट ये जूलॉजी से मैं शुरू करूंगा, और ओनली जूलॉजी अभी तक मैंने बनाया है कुछ कारणों की वजह से, वो वगैरह मैं बाद में बताऊंगा। आप लोग एक बार क्लिम्स देख लीजिए किस तरीके के नोट्स बने। सबसे पहले बात कर लें हम लोग स्पीसीज कंसेप्ट। स्पीसीज कंसेप्ट प्रारूपी जाति कल्पना, इस प्रकार से हायरार्की। उसके बाद स्पीसीज कंसेप्ट्स में कुछ नियम, जिनके नियमावली, ये आपका प्रायोरिटी वाले रूल्स, इसको हमने किस किस तरह की सममिति होती है, सिमेट्री, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बाद हमने सीधे के सीधे यहाँ पर आ गए। लास्ट में हमने कंपेयर किया है, जो चूंकि मामला हिंदी का है, किस प्रकार के ये ड्यूटेरोस्टोमा प्रोटोस्टोमिया, ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें सिर्फ सिंपल सिंपल डेफिनेशंस के अलावा हमने कुछ डाला है, इसको पूरा कंपाइल अभी नहीं किया है, कंपाइलेशन इसका थोड़ा सा बाकी है। कोड्स के बारे में, उसके बाद अलग अलग छोटी मोटी हिस्ट्री वाले क्वेश्चन जो आपके बहुत सारे आएंगे, होलोटाइप, सिंटाइप, लैक्टोटाइप, पैराटाइप, ये वाले काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। जूलॉजिकल बॉटनिकल कोड्स में ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको हमने अंग्रेजी में रखा है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, क्योंकि नीचे की तरफ काफी कुछ ये अंग्रेजी के नाम ही जरूरी होते हैं, उसको हमने अंग्रेजी का ही छोड़ दिया कुछ जगहों पर। ये एक दो जगह पर ही है जहां पर हमने अंग्रेजी छोड़ी। ये आपका पैरामीश, ये लिशमानिया, लिशमानिया, ये साइकोन, ये ओबेलिया, ये टीनिया सोलियम पूरा का पूरा, फेशियोला हिपोटिका, हिपेटिका का पूरा लाइफ साइकिल, नीरिज, नीरीज में काफी सारा कुछ है क्योंकि पढ़ने के लिए टिपिकल वाला, अर्थवर्म, कॉकरोच इन डिटेल, मधुमक्खी, एपिस, पाइला, पाइला, ये मामला पूरा का पूरा बन जाता है आपका यूनिट नंबर वन। तो यूनिट नंबर टू को हम यहाँ पर शुरू करते हैं, जिसमें कि ये अपने ब्रैंकियोस्टोमा, हार्डमानिया, प्रेट, ये आपका ब्रैंकियोस्टोमा। कॉर्डेट्स के एडेप्टेशन वाले टॉपिक पर हमने विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि इसमें काफी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मछलियों के ये चर्मी शल्क वगैरह, माय फिश माइग्रेट, पेरेंटल के, पेरेंटल के एम्फी, स्नेक्स, स्नेक्स पर एक अच्छी खासी कहानी बनाई है पूरी की पूरी, इसमें सभी तरह के स्नेक्स और उनके डिफरेंस, पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक्स, उनके बेसिक डिफरेंसेस, पॉइजनस एपरेटस आपके सिलेबस में, जो जो भी आपके सिलेबस में है वो सबको हमने यहीं की इंक्लूड किया है पूरी की पूरी ये वाली यूनिट। सेंसरी ऑर्गन्स को डिटेल में, बेसिकली कंपेरेटिव एनाटॉमी का एक टॉपिक था, इसको भी डिटेल में किया है इसको हमने। ये बायोमोलिक्यूल्स, इसमें मेजर कार्बोहाइड्रेट पर सबसे ज्यादा दिमाग लगाया, क्योंकि ये काफी कुछ इसमें रट्टाफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स वाले में। एंजाइम्स को प्योरली इंग्लिश में हमने इसका इस्तेमाल किया है, कि एंजाइम वे उत्प्रेरक के जो प्रोसेस में और रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, इस तरीके की हमने पूरी की पूरी इंग्लिश में बनाया, क्योंकि जो भी आपका मॉडर्न वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमने इस प्रकार का काम किया, क्योंकि उनको अगर हम प्योर हिंदी में बनाएंगे तो पहली चीज हमें प्रॉब्लम आ रही थी, प्लस आप लोगों को भी समझने में काफी कुछ दिक्कत आती, तो इसको हमने इसको प्योर हिंदी में न बना के इसको इंग्लिश में बनाया है जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि आप में ज्यादातर लोग काफी कुछ पढ़। ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसमें चूंकि आपके सिलेबस में प्रॉपरली डिफाइंड है, यहाँ पर अगर देखा जाए ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब ईटीएस, और इंटरकन्वर्जेंस ऑफ द ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज, इन दोनों के, यानी कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये दोनों की दोनों चीजें, इसको हमने पूरा का पूरा यहाँ पर इंक्लूड किया है बायोकेमिस्ट्री में। इसको भी हमने इंग्लिश में रखा है जितना ज्यादा हो सके। ये आपके शटल सिस्टम, फैटी एसिड ब्रेक डाउन, ये आपका फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म पूरा का पूरा, ये इंग्लिश रखा है, इसको हिंदी नहीं रखा हमने। ये आपका ग्लाइकोलिसिस, इसमें रेगुलेशन वाले पार्ट्स को हमने बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया, जो कि सीएसआर नेट का लेवल है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन जो टॉपिक्स होते हैं उसी को इंक्लूड किया गया है उसमें। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, मेमिलियन फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम से लगभग ये 124 पेज हैं, और ये पूरा का पूरा सिस्टम, हर चीज को बहुत क्लासिफाइड तरीके से हमने बनाया है। ये एक्चुअली पूरा का पूरा आपका भी ये कंपाइल्ड है, इसको एडिटिंग चल रही है इसकी अभी भी, ये कंपाइल्ड है सिर्फ, तो
काफ़ी कुछ सही ढंग से इसको रीअरेंज होएगा है। एक्सपीरियंस सिस्टम, हर चीज़ का लेवल प्लेन BSC लेवल रखने का पूरा प्रयास किया है। ये आपके मसल्स, मसल्स में हमने स्केलेटल मसल्स पर ही काम खत्म किया है। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स की डिटेल्स नहीं रखी क्योंकि वो आपके काम की नहीं है, वो CSIR नेट लेवल या बड़े लेवल के एग्जाम्स में आता है। ये नर्वस सिस्टम, नर्व फिजियोलॉजी, ब्रेन पर हमने बहुत सारा काम किया है इसमें। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीछे की तरफ पिट्यूटरी वर्सेस हाइपोथैलेमस का, उसके ऊपर स्पेशल काम किया है जो कि लास्ट का टॉपिक है। गोनेट फिजियोलॉजी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कुछ सारी जितनी भी BSc की किताबें हो सकती थी उनको हमने खंगाला है। हर टॉपिक को हमने ठीक वैसे बनाया जैसे कि एक्चुअली आपकी आवश्यकता है। जैसे फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, जैसे कि आपके एक टॉपिक है प्रिलिमिनरी आइडिया ऑफ द न्यूरो सिक्रीशंस एंड द हाइपोथैलेमस, उसको हमने फिर जो बहुत ज़्यादा ही नया टॉपिक है आप लोगों के लिए उसको हमने हिंदी में लिया है। ये आपके जेनेटिक्स के टॉपिक, जेनेटिक्स की चूंकि कई लोगों को ये छोटे छोटे शब्दों में बड़ी प्रॉब्लम आती है तो मैंने इसको भी इंग्लिश में रखा है। एलील हेटरोजेनिटी क्या होती है, एलील क्या होता है, पेडिग्री क्या होता है, कैरियर क्या होता है, इतने शब्दों को हमने पहले डेफिनेशंस पर रखा है पूरा काम। कुछ एडवांस शब्दों को भी हमने लिया है, पेनिट्रेंस एक्सप्रेसिविटी, एक्सप्रेसिविटी सिर्फ डेफिनेशन पर इसको मामला खत्म किया है। मेंडेलियन जेनेटिक्स आपके ह्यूमन जेनेटिक्स है लेकिन असल में ह्यूमन जेनेटिक्स को हमने डिफाइन किया पेडिग्री एनालिसिस, तो इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स इन द ह्यूमन, और इसी में बीच बीच में डिजीजेस को हमने एक्सप्लेन कर दिया, और उसके बाद लिंकेज और जेनेटिक मैपिंग, लिंकेज एनालिसिस, जेनेटिक मैपिंग को आपके कोर्स में नहीं है। सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके बाद ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन की डिटेल्स, ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन के भी काफी सारे टॉपिक इसमें लेने का प्रयास किया है। ये आपका ड्रोसोफिला का, इसको मैंने जानबूझ के डिटेल डाला है क्योंकि आपके क्लियरली डिफाइंड है ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन, यानी कि हमें कुछ डिटेल्स, छोटी मोटी डिटेल्स, क्योंकि आपको BSc लेवल को छूना है ना कि 12th लेवल। ये एक्स अपॉन ए रेशो की कहानी 12th लेवल पे खत्म हो जाती है, इसको आप क्लियर रखिएगा। ये जो एक्स अपॉन ए रेशो वाला मामला है 12th लेवल है, तो छोटा सा BSc लेवल यहाँ पर छूने का प्रयास किया है और ज्यादा कुछ नहीं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, उसके बाद क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के एबरेशंस, म्यूटेजन्स, म्यूटेजन्स आपके कोर्स में है अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो, मेंडल इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर, ड्रोसोफिला, साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस, क्रोमोजोमल म्यूटेशंस, म्यूटेजन्स, जेनेटिक डिसऑर्डर, नेचुरल सेलेक्शन, मिमिक्री। ये आपका मिमिक्री, ये आपका सिलेक्शन, स्पीसी, टेराटोजेनेसिस, एजिंग एंड सेनेसिस, रीजनरेशन, रीजनरेशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे के सारे मैंने फाइलम्स को लिया है जितने भी हम ले सकते हैं। लिम्ब रीजनरेशन, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काम का है ये भी। उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ द रीजनरेशन, एक्स्ट्राम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन, टाइप ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की इंडक्शन, उसके बाद कॉम्पिटेंस, डिफ्रेंसिएशन, कॉम्पिटेंस, और ये आपकी जो प्लेन डेवलपमेंटल बायोलॉजी है जिसको कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 12th लेवल की, वो वाली, लेकिन इसमें भी फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया है हमने। ये आपकी अप्लाइड जूलॉजी, वर्मी कल्चर, लॉक कल्चर, एपी कल्चर, पॉल्ट्री कल्चर, पिस्सी कल्चर, पर्ल कल्चर, ये आपका इकोसिस्टम का सारा मामला जो आपको इकोसिस्टम या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, उसके बाद पॉपुलेशन इकोलॉजी क्योंकि आपके यहाँ आपके सिलेबस में है इकोसिस्टम, बायोलॉजी, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, फ्रेश वाटर डेजर्ट इकोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बेसिकली आपका पोल्यूशन सारा का सारा। ये आपका बायोडाइवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसमें राजस्थान का गोवंश, राजस्थान की बकरियां, राजस्थान की भेड़ें, राजस्थान के ऊंट, वन आयोग, अभयारण्य, सभी। ये आपका एनिमल बिहेवियर,
और बाय स्टेट्स। इसमें आपको फैब के ऊपर हमने स्पेशल काम किया है, एनिमल बिहेवियर के अलावा इसमें कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, क्योंकि आपका जो सिलेबस है एनिमल बिहेवियर का, उसमें आपको जो याद करना है फीडिंग, लर्निंग, इंस्टिंक्टिव मोटिवेटेड, और इसको जरा हम कुछ यूं देखेंगे। ये आपकी सारी लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग, फीडिंग बिहेवियर, जिसमें ऑप्टिमम फोरेजिंग थ्योरी का प्रॉपर हमारे जो इंग्लिश वाले मॉडल नोट्स हैं उसमें से हमने ट्रांसलेट किया है इसको, कम्युनिकेशन, सेक्सुअल बिहेवियर, सोशल हायरार्कीज, जिसमें कि चिंपांजी वगैरह के बारे में सोशल बिहेवियर पूरा डिटेल में, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री, और मेजर जितने भी आपके एप्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर। फिर इसके बाद पूरी की पूरी बायोस्टेट्स, मीन, मोन, मीडियन, योर स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड देन ये आपका प्रोबेबिलिटी, ये आप ही को सीख, ये आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की जो मेजर बातें आपको रट्टा मारनी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये आप एनिमल टिश्यू कल्चर, काफी कुछ इसमें भी रट्टाफिकेशन है, ये वाले नोट्स हैं एनिमल टिश्यू कल्चर के, इसको हमने हिंदी में रखा है पूरा, क्योंकि तो आप में से ज्यादातर को बेसिक चीजें नहीं आती, तो प्योर रट्टाफिकेशन है। कुछ टेबल्स हैं जिसको हमने स्पेसिफाई कर दिया है, प्राइमरी कल्चर क्या है, ऑर्गन कल्चर क्या है, और ये एक टेबल है जिसको आपको रट्टा मारना है लास्ट में जाके, ट्रांसजेनिक सारा का सारा। ये आपका पैथोजन और पैरासाइट वाला एक कुछ लिस्टिंग है जो रट्टा मार के जानी है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है कि हाँ भाई कौन से बैक्टीरिया, कौन से वायरस। उसके बाद ये हिंदी में इम्यूनोलॉजी, सारे मेरी तरफ से जितने मैं अच्छा से अच्छा बना सकता था प्रयास किया है,